स्टार्ट हो गया सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो गाइज, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सोल्व कर रहे थे और यहाँ पे हम 22 क्वेश्चंस अप्रोक्स कर चुके थे और हम क्वेश्चंस करने के बाद आए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको 23rd क्वेश्चन बताया था और 23rd क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक स्पेशल चीज़ बताई थी कि आप ध्यान रखना कि आपका 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये मैंने आपको चीज़ ध्यान रखने के लिए बोली थी, तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और जो भी हम लोग किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास अगर हम जानते हैं, सपोज करो कि हाइड्रोजन का आप 1 एटॉमिक मास बोल रहे हो, कार्बन का आप 12 बोल रहे हो, तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, आप कार्बन के लिए 12 AMU लिखते हो या इसी को हम 12 g/mol भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या जरा एक बार इन यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे AMU है और यहाँ पे ग्राम पर मोल है। क्या है यहाँ पे गाइज? ग्राम पर मोल है, लेकिन यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा वो केवल ग्राम में मिलेगा गाइज। किसे मिलेगा? ग्राम में मिलेगा, यानी कि ग्राम पर मोल में या AMU में आंसर ना लेके अगर ग्राम में ले तो आप ये वाला रिलेशन उसके लिए अप्लाई करोगे। मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे JEE के पर्पज से। JEE में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दरअसल जो हमारा IIT का जो एग्ज़ाम होता है, IIT JEE, इस एग्ज़ाम को IIT कंडक्ट करवाती है। IIT जो होती है वो टफेस्ट चीज़ों पे ना जाके, अब IIT का जो ट्रेंड चला हुआ है, जो अभी हाल ही में ट्रेंड चला हुआ है, वो आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछती। वो आपको आसान क्वेश्चन के अंदर ही गलती करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गलती आप करोगे, जितनी भी ज़्यादा गलती आप करोगे, आप अपना सवाल गलत तो कर ही रहे हो, नंबर तो आपके कमाने ही है, प्लस आप कंपटीशन में और पीछे जा रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि आपने जो सही कर रखा है उसमें से भी आपका कुछ पार्ट कट जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन JEE के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। अगर आपने सही कर दिया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो 4 तो वो नहीं मिलेंगे, माइनस एक और कट जाएगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक नंबर सही कभी गलत हो जाएगा। तो कंपटीशन ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आप क्या करते हो, कंपटीशन में और पीछे चले जाते हो। इसलिए इन एग्जाम्स के साथ डीलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम कम से कम नेगेटिव मार्क्स को लेके आए। और सेकेंडरी थिंग ये है कि IIT का जो ट्रेंड चला हुआ है वो छोटी ही चीज़ों के अंदर ज़्यादा घुमावदार चीज़ें लेके तुम्हारे सामने आता है। यूनिट्स में खेल खेलता रहेगा, वो भी यूनिट्स ऐसी जिसका किसी पे ध्यान ही नहीं जाता। अब देखो, तुम देखो खुद ही, ये AMU या ग्राम पर मोल में तुम्हारा क्या ध्यान गया? क्या तुम्हें पता कि AMU ग्राम पर मोल एक ही चीज़ होती है और वो ग्राम के बराबर नहीं होता? क्या तुम्हारा ध्यान गया था? नहीं गया था। इसलिए क्या करते हैं, हमें ये रिलेशन गाइज ध्यान रखना पड़ता है कि AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो। अब आप ये पूछ रहे होगे कि भाई ये ग्राम में कैसे आया? तो कुछ नहीं, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया हुआ है। किससे डिवाइड किया हुआ है? एवोगैड्रो नंबर से। देखो, अगर आपके पास आपका जो मास है कार्बन का वो कितना है, 12 g/mol है। कितना है गाइज? 12 g/mol है। अगर आप इससे मोल काट दो, अगर आप इससे मोल काट दो तो आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अब मोल काटने के लिए क्या करते हैं, एवोगैड्रो की जो नंबर होता है वो होता है 6.022 × 10⁻²³। राइट, इसको आप क्या करो, 1/6.022 × 10⁻²³ मोल इनवर्स से डिवाइड कर दो। मोल से ये मोल कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12/6.023 × 10⁻²³। जब इस वन को डिवाइड करते हैं 6.022 से तो हमारे पास आता है 1.66। कितना आता है? 1.66, यानी कि 0.1166 1.66 10⁻²⁴ आ जाता है आपके पास। राइट,
तो आता है 1/एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर की जो यूनिट होती है वो होती है 6.022 इंटू 10^23 मोल इनवर्स, ये होती है एवोगैड्रो नंबर की यूनिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइज एन ए से। एन ए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर की यूनिट होती है। क्लियर है? यहाँ से गाइस चीज निकल के आती है, आप इसको एक बार लिख ले, एक तो रिलेशन दोबारा देख ले, इंपॉर्टेंट है तभी दोबारा करा रहा हूँ। आई नो कि मैंने ये सवाल करा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और IIT JEE के एस्पायरेंट्स के लिए तो हद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा करा रहा हूँ, इसलिए यूनिट्स पे ध्यान दिला रहा हूँ। मुझे पता है कि एक बार पढ़ने से तुम्हें चीज़ें अच्छे तरीके से कंसर्न नहीं होती, पता है, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ें दोबारा करा रहा हूँ गाइस, ध्यान रखिए। इसको करेंगे, इसको लिख लीजिए, एवोगैड्रो नंबर की यूनिट भी लिख लीजिए। अगर कहीं से आपको मोल हटाना है तो आप क्या कीजिए, अपने अगर आपका मोल ऊपर की तरफ है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आपका मोल नीचे की तरफ है तो नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? मोल से आपका मोल कट जाएगा, मोल हटाने के लिए एवोगैड्रो नंबर का यूज किया जाएगा। टू रिमूव मोल फ्रॉम द यूनिट वी यूज द एवोगैड्रो नंबर। अगर बचता है मोल आपके पास, कर लीजिएगा। इसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। जल्दी से इसको लिख लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिमूव मोल वी यूज एवोगैड्रो नंबर, इसको लिख लेना, ये होती है एवोगैड्रो नंबर की यूनिट। और अब तक मैंने तुम्हें एवोगैड्रो नंबर की यूनिट नहीं बताई थी, ये होती है गाइस। क्लियर है गाइस? आगे चले, कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। अगर मैं चला जाऊं आगे तो आप पीछे करके पोज कर लिया करो, फिर वहां से देख के लिख लिया करो। ठीक है गाइस, 24 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, है ना, 25 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। यू विल सेंड मी द होमवर्क 2425 क्वेश्चंस करके। फिर मैंने आपको मोलैरिटी मोलैरिटी के बीच में डिफरेंस ही बता दिया था गाइस, है ना, बता दिया कि नहीं बता दिया था, वापस से रिवीजन करा देता हूँ। मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में डिफरेंस बता दिया था, ये होता है क्या N/W, ये क्या होता है N/V, V किसका, सोल्यूशन का, W किसका, सोलवेंट का। यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। करा दिया था मैंने। फिर मैंने आपको ये भी सवाल करा दिया था, मास परसेंटेज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 100। क्लियर है? ये भी मैंने आपको करा दिया था। अगर वॉल्यूम की बात हुई थी तो मैंने बताया था ये होता है गेलुसेक्स
लो ऑफ वॉल्यूम, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं साथ साथ, हमारा रिवीजन भी हो रहा है ना गाइज, इसको आप दोबारा पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको गाइज आगे कराया था 29 क्वेश्चन, और 29 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया था गाइज, 29 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ टू एलिमेंट्स कम कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन ए व्होल नंबर रेशियो। ये बात बिल्कुल सही है, यस दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इफ यस अकॉर्डिंग टू विच लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहाँ पे हाफ लगाएंगे, और H2 प्लस कंप्लीट O2 गिव्स H2O2। देखो एलिमेंट सेम ही है, लेकिन रेशियो अगर बदल दिया तो आपका कंपाउंड ही बदल गया, यही तो बोल रहा है। उसके बाद बारी आई थी 30th क्वेश्चन की, 30th क्वेश्चन को मैं तुमसे करवाने वाला था। क्या करवाने वाला था भाई, मैं तुमसे 30th क्वेश्चन को करवाने वाला था। हमें एवरेज एटोमिक मास निकालना है। मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया हुआ था। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए यूज़ करते हैं, आइसोटोप्स के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये लिखा, करते कि नहीं करते, और लिख भी रखा है, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो हम वो जो टर्म यूज़ करेंगे वो आइसोटोप्स के लिए यूज़ करेंगे गाइस। किसके लिए यूज़ करेंगे, आइसोटोप्स के लिए यूज़ करेंगे। अब आप देखो कि कैसे हमने वहाँ पर निकाला था। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा, कि जिसकी जितनी भी रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि जो भी नेचुरल अबंडेंस मिलता है, इनटू उसका मोलर मास प्लस दूसरे की जितनी इनटू उसका मोलर मास। क्लियर? तो गाइज इसका जो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास आएगा, एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास जो आएगा वो आएगा 99.985 गुना वन। किसके लिए, आपके इसके लिए, इसका मोलर मास वन है, प्लस इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है 0.015 इंटू टू। तो ये निकालने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ता था, क्योंकि जो नेचुरल अबंडेंस होती थी ये गाइस परसेंटेज में होती थी। किस में होती थी, परसेंट में होती थी। क्लियर? इसके बाद इसको निकालेंगे तो यहाँ पे तो 99.985 भी आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0.0030 आ जाएगा अपॉन 100। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 99.985 प्लस 0.030 ये हो जाएगा 99.985 हो जाएगा इस यहाँ पे तो, और 8 और 3 कितना हो जाएगा गाइस, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 1 0, फाइव, इधर करके दिखा देता हूँ, 985, 5110101। तो आपके पास ही आया गाइस 100.15 डिवाइड बाई कितना, 100। तो 100 से डिवाइड करने के बाद गाइस क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 1.0015 AMU। क्लियर है? इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको गाइस और अच्छे से लिख देता हूँ, डोंट वरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको रफ करके यहाँ पे जगह है मेरे पास। तो 99.985 इंटू 1 प्लस 0.015 इंटू 2 क्या आया, ये आया 99.985 प्लस 0.030 अपॉन 100। ऊपर इनको ऐड करने के बाद आएगा 100.015 अपॉन 100। वन पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव
AMU, यानी कि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही लेते, उसकी नेचुरल अबंडेंस जो दूसरा उसका आइसोटोप होता है ये वाला, उसका मास भी अगर हम उसके अंदर रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 1 के आगे 0015 आया है ना, तो हम एवरेज उसका वही यूज कर लेते हैं जो हमें वहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि अबंडेंस होने के बाद, नेचुरल अबंडेंस के बाद उनका जो मास होता है, निकाल तो आपने लिया और आप देखो कि वो बिल्कुल सेम ही आ रहा है गाइस, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। 1.0015 को राउंड ऑफ कर देंगे और राउंड ऑफ करने के बाद ये 1 ही बन जाएगा, 1 हम लिख देंगे, यानी कि 1 ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो आपसे एवरेज एटॉमिक मास निकालना पूछवाए या आपसे पूछे कि बता भाई कैसे निकालेंगे, तो फिर आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा और आपको फिर यही डिजिट्स लिखनी पड़ेगी, यही आपको वहाँ पे करना पड़ेगा गाइस। यही डिजिट एक सही आंसर है, यही डिजिट एक सही आंसर है, लिख लीजिए इसको फटाफट। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, अक्सर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, पहले तो ये क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन हाल ही में 2 साल से मैं लगातार इसका और एक और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास को यूज़ कराया हुआ है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन का पूछा है, मैंने तो मैं कार्बन का कराया था, पेपर में क्लोरीन का आया था, डाटा सब कुछ देते हैं वो, केवल आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, डाटा आपको मिलता है, केवल आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है गाइस, लिखो फटाफट। जल्दी से लिखिए गाइस, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाद भी अगर ये चैप्टर आपसे नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जल्दी से लिखिए गाइस, आगे चलते हैं, लिख लिया होगा गाइस, आगे चले, इसको पोज करके लिख लेना, आगे चलते हैं, बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। देखो 31st क्वेश्चन क्या बोलता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड, वो ध्यान से पढ़ना है, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाई रिएक्टिंग डायल्यूट HCl विद ग्रेनुलेटेड जिंक। ये आपने रिएक्शन 10th में पढ़ी है, मैं बताता हूँ कहाँ पे पढ़ी है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक चैप्टर पढ़ा होगा, और आपने वहां पे इन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, रिएक्शन विद एसिड। क्या पढ़ी होगा इस रिएक्शन विद एसिड? ये मैं अपने टेंथ के बच्चों को सिखाता हूँ, और दो बच्चे हमारे पास पुराने भी है, अंशिव और ज्योति, उनको पता होगा कि रिएक्शन कैसे होती है। तो जिंक प्लस HCl की रिएक्शन में जिंक बनाता है जिंक 2+, और HCl बनाता है H+Cl-। फिर ये जिंक 2+ और Cl- दोनों पास में आते हैं और बनाते हैं जिंक 2+Cl-। फिर इसके नंबर की मल्टीप्लाई इधर होती है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, और हमारे पास यहाँ बन जाता है जिंक Cl2। क्या बन जाता है? जिंक Cl2। यानी कि इनकी रिएक्शन से आपके पास बना ZnCl2, और जो ये H+ होता है ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे मैंने बच्चों को रिएक्शंस करानी सिखाई हुई है, यानी कि मैंने टेंथ में भी उनको कोई रिएक्शन रटने के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही उनको रटने दिया। और सेम कॉन्सेप्ट मेरा रहता है 11th में, और सेम कॉन्सेप्ट से हम चलते 12th में। रटेंगे नहीं तो चीज़ें बेहतर होगी, बेहतर होगी तो हम अच्छे से सीखेंगे। और आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, शेयर मत करना किसी के साथ, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई होता है नीट या JEE में, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई होता है, दैट इज़ 1 and only केमिस्ट्री। आप जितना टाइम केमिस्ट्री पे लगाओगे ना, आपको वो नुकसान कतई नहीं देगा, और जितना टाइम लगाओगे उतना ही अप लेके जाएगा। केमिस्ट्री में आते फुल बाय फुल मार्क्स, बिल्कुल फुल बाय फुल। आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बहुत कुछ सर पे ध्यान रख के नहीं जाना होता, चीज़ों की लगातार प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें खुद तुम्हें आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस केमिस्ट्री के अंदर नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, यानी कि लेस इनपुट मोर आउटपुट। ध्यान आया? तो इससे आगे चलते हैं, ये तो मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, अब हम करते हैं सवाल। ये तो मैंने आपको बताया था कि आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी है, ठीक है गाइस? बात करते हैं सवाल की। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन टेक प्लेस हो चुकी भाई, ठीक है जी। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है लिबरेटेड एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP को क्या बोलते हैं गाइज? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड है, जैसे कि प्रेशर 180 एटमोस्फियर और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे SI यूनिट पढ़ते ना, किसी भी किलोग्राम मीटर, ये सब फिजिक्स में पढ़ा है ना यूनिट्स वगैरह के बारे में। स्टैंडर्ड चीज़ें होती है कुछ, स्टैंडर्ड मतलब जो है अभी है, तो अभी हमारे ऊपर 1 एटमोस्फियर तो प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू, और टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, जिसको किताबों में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के नाम से जाना जाता है। सर्दी में बहुत कम भी नहीं लेते और गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा भी नहीं लेते, यानी कि रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर इतना मेनटेन रहता है कि आप वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट कर सको, और 25 डिग्री सेल्सियस ही रूम टेम्परेचर के नाम पे यूज़ होता है, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। क्या गाइज? 298 केल्विन। व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद HCl, 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर वॉल्यूम एट STP। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट आपको ढूंढना होता है प्यारे बच्चों। अब देखो, यहाँ पे 32.65 ग्राम ऑफ जिंक दिया है, और रिएक्शन आपकी बोलती है क्या? रिएक्शन बोलती है, देखो रिएक्शन जो बोलती है वो 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ H2।
यानी कि जितने मोल जिंक के होंगे उतने ही मोल आपको हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे। क्या ये आप बात समझते हो प्यारे बच्चों? ये तो रिएक्शन बोलती है कि भाई वन जिंक के वन एच टू के, एक जिंक रिएक्शन में लो एक एच टू बाहर निकाल लो, क्लियर है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, ये तो थी स्टैंडर्ड रिएक्शन की जो दी हुई है, अब कितनी अमाउंट ली उस पर भी डिपेंड करता होगा। अच्छा इसने मुझे बताया कि 32.65 ग्राम जिंक के लिए, तो आप क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकाल सकते हो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से? गिवन मास है प्यारे बच्चों 32.65 और एटॉमिक मास है 65.3, क्लियर है। अब 65.3 का अगर मैं आधा करूं तो वो बैठता है गाइस 34 point something, तो यानी कि ऐसे तो हम इसको नहीं काट सकते, हमें इसको काटना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 100 से मल्टीप्लाई करी, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से 10 कट गया, आ गया 3265 अपॉन 653 इंटू 10, ये आपके पास आ गया। इतने नंबर ऑफ मोल जिंक है, जो नंबर ऑफ मोल जिंक है वही नंबर ऑफ मोल H2 है। इट मींस इसको लिखिए फिर और बड़ा कराता हूं। इट मींस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक इक्वल्स टू अपॉन 1/10। ये आगे तुम्हारे पास जिंक के नंबर ऑफ मोल्स प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब ऊपर करते हैं ऊपर की तरफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू जो आए 653 से लगभग 5 times कट जा रहा है, ये लगभग 5 times, क्योंकि आप अगर 653 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो आपके पास आएगा 5 3 15 1 25 6 2 32 3265 कंप्लीट टाइम्स कट रहा है गाइस, 5 times कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आए 5/10 या 0.5, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो एच टू में मिल रहे हैं वो 0.5 mole मिल रहे हैं। अब इसने एक चीज लिखी है, गौर से पढ़ना कि 1 mole ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.7 liter ऑफ गैस एट STP। एक मोल तो लेता है 22.7 liter, तो 0.5 कितने ले गए? वॉल्यूम ऑफ एच टू कितना हो जाएगा? अगर एक मोल ने 22.7 लिया है तो 0.5 कितना लेगा? 0.5 × 22.7, और 22.7 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा? 11.35, कितना जाएगा इज 11.35 liter इज द आंसर। यानी कि इसका जो आंसर है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ये कितना हुआ गाइज 11.35। सब कुछ दिया है इसने इस सवाल में,
बस आपको ये डेफिनेशन से स्टार्ट करना था, ये डेफिनेशन से जिसने स्टार्ट कर दिया उसको नंबर मिल जाएगा फुल। एक मोल जिंक का एक मोल H2 देता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक कैलकुलेट कर लिए वो आए इतने, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो गए वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आए मेरे पास 0.5। वॉल्यूम कितना होगा, अगर एक मोल 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है तो 0.5 कितना करेंगे, 22.7 इंटू 0.5 और आ जाएगा आंसर 11.35 लीटर। गाइस जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। JEE का फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट चैप्टर है, इससे कुछ ना कुछ मिलेगा पेपर में, मेरी गारंटी है, वादा कर सकता हूं तुमसे कि पेपर में इस चैप्टर से कम एक से दो क्वेश्चन रखे मिलेंगे, डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना करना है, क्योंकि मैं अगर इस पे क्वेश्चंस करवाने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना तो मतलब समझो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। मैं हो सकता था कि तुम्हें क्वेश्चंस घर से करने के लिए दे देता, कुछ करते कुछ नहीं करते, लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट की कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, हर जगह सोचना है बस, जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा सोचोगे। क्लियर, लिखो फटाफट। सबसे नीचे के बाद गए गाइस ऊपर, सीक्वेंस बता देता हूं, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां से यहां, ठीक है, जल्दी से लिखिए। करिए गाइस फटाफट करिए,
लिख लिया होगा गाइस, आगे चले, आगे चलते हैं, बात करते हैं भैया 32 क्वेश्चन की। अब तुम ये देखना कि 32 क्वेश्चन क्या बोलता है और क्या मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस कराए कि नहीं कराए। नाउ यू कैन चेक योर टीचर, आइदर ही इज करेक्ट, ही वॉज टीचिंग और ही इज टीचिंग यू द राइट कंटेंट और नॉट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो एक नेशनल लेवल की बुक है, वहाँ पे तो चीज़ें होती होगी, ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा दूँ। देखो ये क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सॉल्यूशन, गाइस डेंसिटी दी है 3 मोलर सॉल्यूशन की, यानी कि मोलरिटी दे दी और डेंसिटी दे दी, और देखो क्या पूछता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। करवाया ना ऐसे क्वेश्चन कि मोलरिटी दे दी, डेंसिटी दे दी, मोलरिटी पूछ ली, परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ लिया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछ लिया, जो कुछ भी पूछा मैं तो आपसे सब कुछ निकलवाता था, क्या पता इसका ये काम हूँ फाड़ दे। अरे सवाल पूछने वाले का थोड़ा ना पता है, पता है कि केवल मोलरिटी पूछेगा। सपोज करो कि आईआईटी वाले ने पेपर देख ली, ये बुक देख ली, उसने कहा मोलरिटी तो बच्चे ने यहाँ भी कर ली होगी, उससे कुछ अलग पूछता हूँ। वो तुमसे क्या पूछ लेगा, परसेंटेज वेट बाई वेट पूछ लेगा, बता दे। मैंने केवल और केवल तुम्हें तुम्हारी 11th क्लास पास करने के लिए नहीं पढ़ाया, IIT JEE के एग्ज़ाम में बैठने के लिए पढ़ाया, नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ाया। ध्यान रखो इस सवाल को, कर दे यहाँ पे तो नहीं होगा, बड़ा सवाल है ये, इसको करते हैं गाइस ब्लैक बोर्ड पे। ध्यान रखना 3 मोलर है और 1.10 है, ठीक है। क्या दिया है गाइस, सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो आपकी मोलैलिटी दी है वो दी है 3 मोलर, राइट, और जो आपको डेंसिटी दी है वो दी है 1.10 ग्राम पर एमएल। देख लो कि यही दी है क्या, 1.110। क्लियर, मोलरिटी पूछता है, क्या पूछता है, मोलरिटी पूछता है। अच्छा मोलरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब है नंबर ओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मोलैलिटी की वैल्यू 3 है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, इट मींस 3 मोल ऑफ किसके, NaCl की। देख लो किसके दिए, NaOH, 3 मोल ऑफ NaOH इज डिजोल्व्ड इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। इसका मतलब है ये गाइस, अब इसका मतलब ये है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 3 और आपके पास 1000 ग्राम, डाटा ये गिवन है। आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी आपको निकालनी है। मोलरिटी क्या होती है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यार ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कैसे आए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आएगा इस डेंसिटी से, किससे आएगा? इस डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है गाइस? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की दी होती है ना, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो आपको वैल्यू दी है वो दी है 110 ग्राम पर एमएल। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1.110 ग्राम एक एमएल में डिसोल्व है। किसमें डिसोल्व है गाइस? एक एमएल में डिसोल्व है। और मास ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास है ही, किसके? सॉल्यूट के है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपके पास है 1000 ग्राम। कितना है जी? 1000 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है? 1.10 ग्राम। भाई ये 1.10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ही तो है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है गाइज? 1 ml है, यानी कि 1.110 ग्राम 1 ml में डिसॉल्व है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है? मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपके पास वो है 1000 ग्राम। कितना है? 1000 ग्राम। और आपको निकालनी है गाइज मोलैरिटी। क्या निकालनी है आपको? मोलैरिटी निकालनी है। और मोलैरिटी में बस आपको कुछ नहीं रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मेरे पास यहाँ से आ चुका जो 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 ml के बराबर है। किसके बराबर है गाइज? 1 के बराबर है। इसको करो फटाफट, पहले जल्दी से इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। इसको करो फिर आगे करते हैं, ये सवाल हमने किए हुए हैं ना, इसको लिख लो फिर आगे चलते हैं सवाल को लेके। मास को पुट करते हैं, लिख लिया गाइस। ये तो केवल मैंने वो लिखा है जो आप जानते हो, ये दिया हुआ ही है, इसका मतलब भी लिख दिया, जो सीखा उससे वो यहां लिख दिया, बस अब आगे चलो फटाफट। आगे चलते हैं। अब देखो आपके पास प्यारे बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट तो है, कहाँ पे है? ये राजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो है, यानी कि वेट मास एक ही बात है। आपको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होते गिवन मास अपॉन मोलर मास। पीछे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गाइज किसके बराबर होते हैं?
गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स तीन है, सोल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, फोर सोल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स तीन है, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए और मोलर मास एनएमएस का कितना होता है 40, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट जो आया वो आया 120 ग्राम, कितना आया गाइस 120 ग्राम। यहां पे क्या लिख सकते हो 120 प्लस 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.10। आंसर जो आपका आएगा, यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम पर ml है, ग्राम से ग्राम तो कट गया, वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा गाइस, आपका ml में आएगा। अब आगे चलते हैं, ये काम आपने पीछे वाले के लिए किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक हजार प्लस 120 कितना हो जाएगा 1120 अपॉन डेंसिटी, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर 1.110। क्लियर है, पॉइंट आके 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ गाइस ml में। क्लियर है, यहां पे रख दो मोलरिटी, तो मोलरिटी इक्वल्स टू होगी गाइस 3, वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आया 112/111, 112 इंटू 111 इंटू 1000 था ही, और यहाँ भी 10^3 है, 10^3 से 10^3 कंप्लीट कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 333 अपॉन 112। अब 112 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 112 2 जा 224 और 112 3 जा 633। अब 3 पे तो अगर 3 बार चलाया तो ज़्यादा हो जाता है, तो कितनी बार चलाना पड़ेगा गाइस 2 times चलाना पड़ेगा, यानी कितना 224 है तुम्हारे पास, कितना 333, कितना बचगा गाइस, हमारे पास बचा 6 76 33 9 10 109 बचा। अब 109 है तो एक बार तो चलेगी नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगी 0, यानी कि 1090 को 112 से काटना है, किससे काटना है 112 से, अगर 112 की 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1120 बन जाएगा, अगर 9 पे चलाऊँ तो 9 2 जाए 18 1 9 1 जा 9 1 10 0 9 1 जा 9 और 1 11 1108 बार जा रहा है, ये भी नहीं जाएगा, तो 119 मल्टीप्लाइड बाय 8 सॉरी 112 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 टू जा 16 1 8 1 जा 8 9 8 1 जा 8 और एक 9 996 आया, और अगर 100 तो यही चल जाएगा इस 8 टाइम्स, कितना चल जाएगा 8 टाइम्स। अब था क्या 1090, 4 यहाँ से क्लियर और 90 यहाँ से 94 फिर से क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाया 0 लगाइए तो आपके पास आएगा 940, 7 टाइम चल जाएगा, तो आपके पास जो मोलरिटी आएगी गाइस
मैं इसको, ये तो मैंने कैलकुलेशन की थी आपको दिखाने के लिए, मैं भी वैसे ही करता हूँ जैसे आप करते हो। जब कभी ऑफलाइन क्लास में आओगे तब तुम्हें जादू दिखाऊंगा। यानी कि मोलारिटी इक्वल्स टू वाई 2.87 मोल पर लीटर। लिख लो गाइस, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट, यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस डेंसिटी को आपने लिखा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन को लिख सकते हो मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोलवेंट का पता है, सोल्यूट का कैसे निकाला? सोल्यूट का निकाला यहां से फोर सोल्यूट, ये किसके लिए है? टू कैलकुलेट मास ऑफ सोल्यूट, इसके कैलकुलेशन यहां पे है। ठीक है गाइस, लिखो फटाफट। फटाफट से कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। बताओ कि ये सवाल फर्जी था कि नकली था, कैसा था? किया है ना हमने ये सवाल, ये अब देखो कि देखो जो हमने किया वहीं से सवाल आया है, अलग से तो मैंने तो बनाया नहीं था। मैंने ऐसे सवाल तुम्हें कराए जरूर थे, कराए थे कि नहीं कराए थे? मास ऑफ सोल्यूट पे 120 कहां से आया? इससे नेक्स्ट पेज से आया, दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। जल्दी से लिखिए, आगे चले। यहां से आया ये मास ऑफ सोल्यूट, फिर डेंसिटी के आगे से कंटिन्यू किया। डेंसिटी तो कंटिन्यू कर रहे थे, वहां से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लिखा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया आपका, ये कैलकुलेशन फाइनल बाद में कर लेना क्योंकि डिवाइड तो फर्दर करना ही है। यहीं पे दिमाग लगा के डिवाइड करोगे, लगभग एक बार कट जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट वन टाइम नहीं कटेगा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। स्टूडेंट्स जल्दी लिखिए इसको। वापस से पीडीएफ पे चलना है अपनी। पॉइंट को रिमूव करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था, फिर जीरो से जीरो काट दिया,
ये जीरो फिर साथ में इसके वापस लगा दिया। बात एक ही है, 10^3 ml में आंसर आया था, क्योंकि यहाँ पे ml ही बचा था केवल। आ गया आंसर, अभी केवल वॉल्यूम पता लगा। कर लिया होगा लास्ट स्लाइड आंसर के लिए। दिस इज अवर मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकाल के लाए। ml में आया था, 1000 से मल्टीप्लाई पूरा कटा, 333/112 आपके सामने कैलकुलेट किया, 2.87 आंसर आया, यानी कि लगभग 2.9। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हो तो 2.9 मोल पर लीटर, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करके आंसर आया आपका ये। जल्दी से लिखो, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, लंबसम मोटा मोटा अंदाजन। 2.87 यानी कि डेसिमल के टू प्लेस तक ना बोल के, अगर एक प्लेस तक बोलना हो तो ये वाला नंबर अगर पाँच से बड़ा है तो उसमें एक जुड़ जाता है 2.9। अगर ये छोटा होता तो एज इट इज रखते, पाँच से छोटा होता, और पाँच होता तो सिंपल रखते। क्लियर है, हो गया होगा, पोज करके लिखना। आगे चलते हैं वापस से अपने सवाल की तरफ। तो गाइज इसका जो आंसर तुम्हारे पास आया 32 का, वो आया 2.9 मोलर, मोलैरिटी। सॉल्यूशन तुम लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। देखो ये भी मैंने तुम्हें चीज़ बताई है, अब तुम देखना कि तुम्हारी बुक में चीज़ों को ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है। जब मैंने तुम्हें पहले दिन कंसंट्रेशन पढ़ाना शुरू किया था, तो कंसंट्रेशन पढ़ाते हुए मैंने आपको लिखा था ना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट में मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, नॉर्मेलिटी ये लिखाई थी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये लिखवाया था। बताओ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मुझे बस बता दो। यस सर, क्वेश्चन पढ़ो। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये इसने बोल दिया ऐसा होता है। Then will the molality of the solution be affected by the temperature? क्या molality temperature से affect होगी? मैं कहता हूँ नहीं होती, क्योंकि molality equals to होता है number of moles divide by weight। अगर यहाँ volume होता तो, क्योंकि volume change temperature के change करने से change हो रहा है, तो हमारी मोलैरिटी भी चेंज हो जाती। लेकिन हमारे पास थी पूछी हुई है मोलैरिटी, क्या पूछी है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट।
और क्योंकि यहाँ पे वेट आता है, क्योंकि यहाँ पे वेट आता है इसलिए मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे आता, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता जैसे कि मोलैलिटी में आता है, स्मॉल एम इज फॉर द मोलैलिटी, कैपिटल एम इज फॉर द मोलैलिटी, अगर यहाँ वॉल्यूम आता तब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता। तो देन विल द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर? नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, बिकॉज इन द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी वी हैव द वेट ऑफ सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ द वॉल्यूम, सो ओनली वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर एंड वी डोंट हैव एनी वॉल्यूम इन अवर फॉर्मूला। इट मीन्स अवर फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये गाइज 33 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए, 24-25 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है, देखो उसको करना है, नहीं करोगे तो चीज़ें तुम्हें और अच्छे से क्लियर नहीं होगी। आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे गाइज, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसको फटाफट से लिख लो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कल फिर से इन क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे, थैंक्स अ लॉट।